ओम शांति। प्रश्न है, स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवा में सदा वृद्धि होती रहे, उसका सहज साधन क्या है? ये प्रश्न लिया गया है 18 जनवरी 1978 की मुरली से। प्रश्न है, स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवा में प्रोग्रेस, वृद्धि, उन्नति, विकास होता रहे, पुरुषार्थ में और सेवा में, उसके लिए सहज साधन क्या है? दोनों का बैलेंस, विधि और पुरुषार्थ ठीक ठाक होता रहे, उसकी विधि क्या है? उसकी वृद्धि होती रहे, उसका सहज साधन क्या है? कैसे करेंगे लगन की अग्नि को तेज? कौन सी लकड़ियां डालेंगे उसमें? जागरण की लकड़ियां, कौन सी लकड़ियां डालें? अटेंशन और चेकिंग की लकड़ियां डालते रहना, ताकि आग भड़कती रहे, धधकती रहे। और कौन सी लकड़ियां डालेंगे? वैराग की लकड़ियां डालते रहना, दृढ़ता की लकड़ियां डालते रहना, और पुरुषार्थ में वृद्धि हो जाए। वृद्धि हो जाए अर्थात महसूस हो कि कल जो किया था आज उससे ज्यादा है, वृद्धि हो गई, बढ़ गई। जैसे स्थूल चीजों की वृद्धि दिखाई देती है, वैसे सूक्ष्म चीजों की भी वृद्धि दिखाई दे, कि कल जो किया था और आज जो कर रहे, ये निश्चय ही ज्यादा है। तो क्या करना चाहिए कि जिससे पुरुषार्थ की वृद्धि हो जाए? चिमन भाई जी, क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल में क्या कर दे? चेकिंग चेंज तो हो गया, और चिंतन तो कर ही रहे हैं। जो कर रहे हैं वो अब तक, वो छोड़ के बताओ, जो जो आज तक पुरुषार्थ में किया ही नहीं, जो बाबा ने कहा वो आज के आज ही करना, और अटेंशन चेकिंग वो तो बोल दिया, और साइलेंस, और स्थिति कैसे? वही तो प्रश्न है, कैसे बने पुरुषार्थ जो है उसमें वृद्धि हो जाए, क्या किया जाए? पुरुषार्थ में ग्राफ जो है ऐसा चला जाए, जो यहां था कल आज वो यहां पहुंच जाए। और समय की स्मृति, और लक्ष्य को बुद्धि में, और कर्म करने से, ये सब तो कर ही रहे। पुरुषार्थ में कौन सी बात है जो आज तक की नहीं? ऐसा भी कुछ है कि सब कर लिया हमने, हमने सब कर लिया, हमारा सब कुछ हो गया, सब कुछ देख लिया, किसी से कुछ मिलता नहीं है? फुल परसेंटेज में नहीं हो रहा है। और स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवा में सदा वृद्धि होती रहे, सदा, इसका सहज साधन क्या है? सहज, वो भी साधन सिंपल चाहिए, बहुत ऐसा हाई फाई मत बता देना पुरुषार्थ, कि हम 8 घंटा योग का चार्ट करेंगे, रखेंगे पूरा 8 घंटा बैठ के योग, ये ऐसे अनरियलिस्टिक। नवीनता लाना, विधि को चेक करना, और सरल सब सहज, और एडजस्ट करना, और दूसरों को समझना, और हल्का रखना। कल भी चर्चा की थी ना सुबह, हल्का, ये एक चीज है जो अभी तक हमने की नहीं है। हम हल्का नहीं रहते, भारी हो जाते हैं, चीजों को पकड़ लेते हैं, और दूसरों ने जो शब्द कहे उसको मन ही मन उसका जप करते रहते हैं, उसकी माला जपते हैं, जप कर करके उसको शक्तिशाली बना देते हैं। और जीरो एक्सपेक्टेशन, ये एक चीज है, और एक्सेप्टेंस, जीरो एक्सपेक्टेशन और 100% एक्सपेक्टेशन। दूसरों से इतनी सूक्ष्म अपेक्षाएं हैं कि ये हमारे लिए ये करे, हम जाए तो हमको ये मिले, ये हो जाए, वो हो जाए, और यही दुख का कारण है। और कहीं कहीं ना कहना भी सीखना है,
हर चीज में हाँ 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 करो और फिर करना ही नहीं, इनकार इनकार, हर चीज के लिए हाँ करो और हर चीज करते रहो और फंस जाओ, क्योंकि यहां तो हमको बहुत सूक्ष्म अपने ऊपर ध्यान रखना है। जब यज्ञ का इतना विस्तार हो गया है तो कौन कौन सी चीजें मैं करूं, सारा ही मैं करने लगूं तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, तो ना उसमें भी कभी कभी भलाई है। जैसे एक चिड़िया अपने परिवार सहित एक वृक्ष के पास आती है और कहती है कि बारिश का मौसम चालू होने वाला है, क्या मैं तुम्हारे डालियों पर अपना घोंसला बनाऊं? वो वृक्ष कहता है नहीं मैं नहीं बनाने दूंगा, जाओ यहां से। तो वो थोड़ी नाराज हो जाती है। बाजू में एक दूसरा बड़ा वृक्ष होता है, उसके पास जाती है, कहती है क्या मैं यहां पर अपना घोंसला बनाऊं? वो कहता है बिल्कुल बनाओ, और वो वहां बनाती है। और फिर कुछ समय के बाद बारिश का मौसम चालू हो जाता है, और कुछ समय के बाद इतनी तेज वर्षा आती है, इतनी तेज वर्षा आती है कि पहला जो झाड़ था वो उखड़ जाता है और गिर जाता है और बहने लगता है नदी के साथ। तो वो चिड़िया उससे कहती है देखा तुमने मुझे मना कर दिया था ना, तुमने मुझे मना किया था ना घोंसला बनाने के लिए, देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया। तो वो कहता है मैंने इसीलिए तो मना किया था क्योंकि मैं पहले से वृद्ध हो गया हूं, मेरी जड़ें कमजोर हो गई है, मुझे पता था अगली बारिश जो आएगी उसमें मैं जिंदा ना रह पाऊंगा, इसलिए मैंने तुझे इनकार इसलिए किया ताकि तुम्हारा घोंसला भी ना बह जाए। तुम्हें बहुत सारी चीजें हैं, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है जो कि पहले साधारण से वृक्ष में ये नहीं होगी। तो कभी कभी किसी और को हम मना इसलिए भी कर रहे हैं ताकि उसका भी कल्याण हो उसमें, वो उस समय नाराज हो सकता है परंतु उसी में उसका कल्याण छिपा हुआ है। वो उसे हमें उस समय अपने हमें अपना शत्रु देखे क्योंकि हमने मना कर दिया, परंतु उसी में उसका कल्याण भी छिपा हुआ है। तो प्रश्न है पुरुषार्थ की सहज विधि, पुरुषार्थ वृद्धि को पा जाए उसकी विधि क्या है और क्या करे क्या करे। प्लानिंग करते रहना। और क्या करना चाहिए? बाबा कह रहे हैं हाँ, एक जो चीज हम बिल्कुल नहीं कर रहे वो है जो किया है उसी को देखते रहो क्या किया, उसी को भूले हुए उसी को रिवाइज करो, उसी को समझने की कोशिश करो, उसी को देखते रहो बार 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 कि ये किया। तो उत्तर दिया है इस मुरली में, वृद्धि का सहज साधन है अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक चलना तो जीवन वृद्धि को पाएगा। मेथड, विधि क्या है, मार्ग क्या है, प्रॉपर मेथड, विधि मेथडोलॉजी, साइंटिफिक मेथड, प्रॉपर विधि से होना चाहिए। कोई भी कार्य सफल तब होगा जब विधि से करते हैं। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन, हर चीज विधि पूर्वक करते रहो। संसार में जितने कार्य है सब विधि पूर्वक होते हैं, सभी कार्य, अच्छे कार्य और बुरे कार्य, हर कार्य की विधि है, हर कार्य के स्टेप्स है, तभी सिद्धि मिलती है नहीं तो नहीं मिलती है। चाहे मंत्र जाप करो विधि पूर्वक करो, पूजा करो कैसे भी पूजा कर लिए तो हो जाता है कि यज्ञ, उसकी अपनी विधि है ये करने के बाद वो, कैसे भी किधर भी घूम जाओ उल्टा फुल्टा तो शादी हो जाती है क्या? प्रॉपर विधि से शादी करनी होती है। शादी भी करते हैं उसकी भी विधि है सप्तपदी, वो सात फेरे फिर ये फिर वो, हर चीज की, घर में प्रवेश करते हैं उसकी विधि, भोजन बनाते हैं उसमें तो सबसे ज्यादा विधि की आवश्यकता है, जरा सा गड़बड़ हो गई तो टेस्ट चेंज, जो विधि है उसी से बनानी है वो चीज, इधर उधर कर दिया तो टेस्ट पूरी चेंज हो जाती है। तो हर चीज में संसार में विधि पूर्वक है,
हॉस्पिटल, डॉक्टर, पेशेंट, ट्रीटमेंट सब की विधि है। इंजीनियरिंग, रोड कंस्ट्रक्शन चीजों की विधि है। घर आर्किटेक्चर उसकी भी विधि है। ऐसा कौन सी चीज है जिसमें विधि नहीं है? हर चीज की विधि है संसार में। घोंसला तिनका ला ला के चिड़िया घोंसला बनाती है, उसकी भी विधि है। स्वेटर बुनना उसकी भी विधि है। कपड़े सिलाना उसकी भी विधि है। हर चीज की विधि है। हर चीज का एक साइंस है, एक विज्ञान है, उसी अनुसार वो होना चाहिए। उसी तरह यदि अध्यात्म में उन्नति करनी है तो उसके भी सेट प्रिंसिपल्स है। बस ऐसा ही वो होना चाहिए तो ही होगा। मेडिकल की कुछ कुछ एग्जाम्स होती है, उसमें इतने फिक्स क्वेश्चंस होते हैं कि क्वेश्चन पूछेंगे वाइवा में, आप भले इधर उधर का कितना भी बताओ पर उनके पास तीन उत्तर लिखे हुए हैं, तीन बातें। ये तीन बातें तुम्हारे उत्तर में आनी चाहिए। तुमने कितना भी अच्छा उत्तर दिया पर इनमें से एक भी बात नहीं आई तो जीरो, जीरो मार्क्स। तीन एग्जामिनर बैठे हुए हैं और हम उत्तर दे रहे हैं। एक ने प्रश्न पूछा और हमने बहुत अच्छी इधर उधर की बातें बताई पर तीनों के पास उत्तर लिखे हुए हैं और उन उत्तरों में ये तीन बातें हैं। तीन बातें अगर उन उत्तर में नहीं है, हमारे उत्तर में जीरो। वो तीन होना चाहिए। हर चीज की विधि बनी हुई है। मैथमेटिक्स में तो बिना विधि के तो मैथ्स होता ही नहीं है। हर चीज में विधि है। तो अगर किसी भी बात से मैं स्वयं के पुरुषार्थ व सेवा में वृद्धि नहीं हो रही है, हम देख रहे हैं कि हमारा एक हफ्ता पहले जो पुरुषार्थ था वही आज है। हम अगर देख रहे हैं कि एक साल पहले भी मैं वही था जहां आज हूं, एक दिन पहले भी मैं वही था जहां आज हूं, वृद्धि क्यों नहीं हुई? क्योंकि शायद सेल्फ चेकिंग नहीं की, विधि ठीक नहीं थी। तो जरूर कोई विधि की कमी है। चेक करो कि अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वचा कर्मणा व संबंध संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोच कर क्या करो, निवारण करो। ये जो प्रक्रिया है बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है, क्योंकि यहां जो अब तक उदाहरण दिए वो स्थूल उदाहरण थे। ये जो है ये सूक्ष्म है। ये मन की चेकिंग, बुद्धि की चेकिंग, संस्कार की चेकिंग, संपर्क संबंध की चेकिंग, ये तो ऐसी चेकिंग है कि सीधा दिखाई नहीं देता कुछ भी। ऐसा इतना आसान नहीं है जैसे पेन की चेकिंग करो, ये सब ठीक लिखा है शब्द, पेन को उठाया देखा हाँ ठीक लिखा है, वैसे मन को उठाया और सारे विचार ठीक है, ये कथा कहना मुश्किल है। जैसे कोई कपड़ा है और कोई चल रहा है तो धूल पड़ती है कपड़े पर और फिर हम क्या करते हैं, उसको धोते हैं पानी से। मन भी समय में चल रहा है और विचारों पर भी धूल पड़ रही है, उसे भी पानी की आवश्यकता है। पर कौन से पानी की आवश्यकता है निखिलेश भाई? वो तो कितना आसान है, यहां दिखाई देता है, धूल लग गई उसको धो, यहां से नीचे गए ट्रैवल किया धूल लग गई। मन भी ट्रैवल कर रहा है समय में, उसमें भी धूल पड़ रही है, उसको भी धुलाई की आवश्यकता है। किससे? चेकिंग से, ज्ञान की। उसमें बड़ा सूक्ष्म पानी चाहिए, धक्के चाहिए, उसके सिवा ये चेकिंग होती नहीं है। हम यही सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूं, जो चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है, राइट चल रहा है, एक्यूरेट चल रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। पर ये सोचना या इस कंक्लूजन में आना कि ये गलत है, तो बाबा कह रहे फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन होगा तो वृद्धि अवश्य होगी। विधि को साइंटिफिक मेथड कहा जाता है और विज्ञान में, मेडिकल साइंस और बाकी फील्ड्स में इसकी बहुत सारी स्टेप्स बताते हैं। जब भी कोई मेथड खोज की जाती है नई चीज की, उसमें कुछ स्टेप्स होती है। और एक जो बात बताई है हाइपोथेसिस,
सबसे पहले क्या होता है विधि में, मानना पड़ता है। पांच स्टेप्स बताई है, कोई भी जैसे डीएनए की जो खोज हुई थी उसमें उन्होंने पांच स्टेप्स बताई थी। एच से भी पहले और एक है क्यू, क्वेश्चन। कोई भी साइंटिफिक मेथड के लिए प्रश्न पूछने होते हैं, यदि उदाहरण के लिए संबंध संपर्क इसमें गड़बड़ हो रही है, तो सबसे पहली विधि क्या है? विधि में पांच फाइव स्टेप्स है। पहला है क्वेश्चन करना। क्या क्वेश्चन करना? कहां गड़बड़ हो रही है, क्यों गड़बड़ हो रही है। पहले तो वास्तव में गड़बड़ हो रही है कि ठीक ठाक है। पहला होता है प्रश्न करना अपने आप से कि वास्तव में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, और क्या गड़बड़ हो रही है और क्यों हो रही है, क्यों ये खेचातान। एक व्यक्ति कुछ कह रहा है, दूसरा उसको गलत समझ रहा है। एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है, दूसरा पूरा उसको गलत रीति से समझ रहा है और झगड़े हो रहे हैं। वो दो व्यक्ति हो सकते हैं और दो देश भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला तो प्रश्न करना, एक। दूसरा होता है हाइपोथेसिस। कोई भी साइंटिफिक रिसर्च करते हैं उसमें मेथड्स में सेकंड स्टेप जो बताइए वो है हाइपोथेसिस, अर्थात अनुमान लगाना थोड़ा सा कि शायद ये है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अभी राइट नहीं है, अभी हमें भी नहीं पता। हम वो वाला अनुमान नहीं बात कर रहे दूसरों के विषय में, हम अपने मन में अनुमान लगा रहे कि ये प्रश्न है मेरे। जैसे कल का पुरुषार्थ ठीक नहीं चला, कल गलतियां हो गई, शाम को गलती हो गई। अब शाम को गलती हुई, वो गलती अचानक तो हुई नहीं, टुकड़ा 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 दिन भर कुछ ना कुछ चालू रहा और वो शाम तक एकदम बढ़ गया वो विचार, और फिर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ पाप कर दिया। वो अचानक कुछ भी नहीं होता है, यहां धीरे 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 होता है। वो सोचता है कि यहां मुझे जाना ही नहीं है, ये मुझे करना ही नहीं है, अचानक कभी नहीं होता है। लंबा समय का चिंतन चलता है तब फाइनल डिसीजन लेता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करना, प्रश्न पूछने अपने आप से, ये विधि है पुरुषार्थ की कि कल अमृत वेला ठीक नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, क्या रात को सोने की विधि गलत थी, शायद याद करके नहीं सोया था, शायद थक गया था इसके लिए वैसे ही लेट गया था, शायद कोई खास संकल्प नहीं थे कि पुरुषार्थ करना है, सुबह अमृत वेला अच्छा हो, आ गए और लेट गए। तो पहला ये था हाइपोथेसिस, प्रश्न किए और फिर उसके उत्तर भी दिए। और फिर होता है तीसरा, होता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन अर्थात थोड़ी सी भविष्यवाणी करनी। फिर ये साइंटिफिक मेथड्स में पांच स्टेप्स आते हैं। प्रिडिक्शन मतलब कि भविष्य में ऐसा ही होते रहेगा अगर मैं इस विधि से चलूंगा तो। जो कल किया था अगर आज उसको बदला नहीं तो कल के दिन और आज के दिन में कोई ज्यादा अंतर होने वाला नहीं है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा आज, नहीं तो मैं वही करूंगा क्योंकि आदत तो उसी की लगी हुई है, वो अपने आप काम करेगी आदत। मुझे कुछ और करना पड़ेगा आज। फिर है चौथा एक्सपेरिमेंट। आज सारे दिन भर क्या करने पड़ेंगे? प्रयोग। क्या प्रयोग करने पड़ेंगे देवेंद्र भाई? कुछ तो नए प्रयोग करने पड़ेंगे, करके देखता हूं क्या होता है। रोज इस रास्ते से जाता हूं, आज इस रास्ते से जाके देखता हूं। मन कहता है नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं ज्यादा जोखिम में मत रहो, क्यों लेते हो, झंझट में पड़ो ही नहीं तुम। सहज बोला है क्यों हम फालतू के नए रास्ते खोजे। बाबा ने कहा है बस वही कॉपी करो, चीटिंग करो, कॉपी करो बस। नहीं नहीं नया कुछ करना ही क्यों है। जर्मन में एक बड़ा ही क्या कहेंगे, नकारवादी या पेसिमिस्ट, बिल्कुल नास्तिक एक फिलोसोफर हुआ है, पर उसका बड़ा नाम है फ्रेडरिच नीट्शे। उसकी फिलोसफी बड़ी स्ट्रांग है। उसने एक जगह लिखा है, यदि तुम्हें सफल होना है जीवन में, लिव डेंजरसली, जोखिम में जियो, खतरे में, जीवन को खतरामय बना दो, ऐसा जियो कि जिसमें खतरे ही खतरे हैं। ऐसा करते रहो दिन में कुछ कुछ कि खतरों का ही सामना करना पड़े।
तभी तुम शक्तिशाली बनोगे। हाँ, अलर्टनेस हम कब रहते हैं? ज्यादा हम चौकन्ने तब रहते जब खतरे ही खतरे है, सबसे ज्यादा खतरा है। और थोड़ा भयभीत भी रहना चाहिए अंदर ही अंदर, जैसे दिखाया महाभारत में अर्जुन का युद्ध होने वाला है कर्ण से। इसके पहले भी छोटे मोटे युद्ध हुए हैं कर्ण के साथ, इसके पहले भी बड़ी बड़ी लड़ाई है उसने लड़ी है, पर कल निर्णायक युद्ध है, द डिसीजिव वॉर कर्ण के साथ। तो वह अपनी धार, तीर की धार को तेज कर रहा है, बाण को। नकुल पूछता है, आप ये क्या कर रहे हो? वो कह रहा है, मैं बेस्ट वेपन चूज रहा हूं, ढूंढ रहा हूं कर्ण के लिए, और मैं आज बहुत ज्यादा चौकन्ना हूं, मैं सो नहीं सकता, क्योंकि कल जो मेरा युद्ध है मैं भयभीत भी हूं। क्यों? क्योंकि थोड़ा से भय की आवश्यकता है और चौकन्ना रहना है, क्योंकि शत्रु कभी भी वार कर सकता है। हम 24 घंटे जागे हुए हैं, 10 मिनट के लिए सोचा थोड़ा सा आराम कर लूं, और 10 मिनट सो गए और गए, सीधा उसी समय आक्रमण हो गया। वो 23 घंटा और 50 मिनट का चौकन्ना बन गया 10 मिनट में। इसके लिए क्या करते रहना है दिन भर में? एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? भोजन पर एक्सपेरिमेंट करते रहना। क्या एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे? स्पीच पर एक्सपेरिमेंट करते रहना, कि ये समय में हमने लास्ट टाइम बोला था, किसने हमको ऐसा कहा था, इस टाइम देखते हैं ना बोल के क्या होता है। और किस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे? संबंध संपर्क पर। और किस पर एक्सपेरिमेंट कर? डिजिटल एक्सपेरिमेंट्स, डिजिटल एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कि कम चलाएंगे, कम यूज करेंगे, देखते हैं क्या होता है। 2 घंटे के लिए इसको बाजू में रख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। कम खाने का बोल दिया, फूड पर एक्सपेरिमेंट करते रहना, डिजिटल एक्सपेरिमेंट करते रहना, वाणी पर एक्सपेरिमेंट करते रहना, रिलेशनशिप्स पर एक्सपेरिमेंट करते रहना। जो काम रोज करते हैं आज वो नहीं करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं कुछ अलग करके क्या होता है। एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है, नजरिया बदल के देखना। उसी के लिए 5वीं स्टेप से एनालिसिस, और ये सब करके फिर रात में अवलोकन करना, एनालिसिस विश्लेषण, विश्लेषण करना उसका, कि ये करके हमको क्या मिला। ये है विधि। तो मेथड, साइंटिफिक मेथड में 5 स्टेप्स बताई है। पहला तो प्रश्न पूछते रहो अपने आप से, कि मुझे ठीक था कि नहीं ठीक था, करना है नहीं करना है, नया क्या करना है। अगर सब कुछ ठीक भी चालू है पर उसमें नया तो नहीं हो रहा है ना कुछ, मुझे नया करना है। क्या नया करूं? रोज मुरली आती है, आज की मुरली से मुझे नया क्या उठाना है, और मैं क्या काम करूं इसके ऊपर। बहुत सारी बातें सभी पता है इसमें से मुझे, पर नया क्या करना है। फिर बताया हाइपोथेसिस करना, कि अगर वही करता रहा तो क्या क्या हो सकता है, अगर नया किया तो क्या होगा, अगर मैंने इस मार्ग से मैं गया जिस मार्ग से कोई जा नहीं रहा है उसमें से जाके देखूं क्या होता है। तो क्वेश्चन, हाइपोथेसिस। फिर है प्रिडिक्शन करना, हाइपोथेसिस अनुमान लगाना, जैसे वो गणितज्ञ का है ना, रोटी खा रहा है कटोरी में डाल के, खाली कटोरी है, किसी ने पूछा तुम किसके साथ खा रहे हो, वो कहता है मैंने दाल मान ली है, मैथमेटिशियन है ना, तो अज्यूम कर लिए कि दाल है और स्वाद भी आ रहा है और पेट भी भर रहा है। ये मान लेना कुछ कुछ, तो कुछ कुछ चीजें मान लेना कि ये मन के चल रहा है, ये मन में चल रहा है, ये कोई बाहर दिखावे के लिए नहीं, हम दूसरों के लिए अनुमान नहीं लगा रहे, अपने लिए, कि ये अपना मैं मान लेता हूं कि आज कल जैसे मैंने किया आज भी मैं वैसे ही रहूंगा ना, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे आज कुछ नया करना है। इसके लिए प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना कि आज ऐसा मुझे करना है तो ये हो सकता है, ये नया होगा, अपने ही प्रति प्रिडिक्शंस। और एक्सपेरिमेंट चालू, सबसे मेन है इस 5 में से एक्सपेरिमेंट, नया एक्सपेरिमेंट करना कि ये जो मेरा संबंध है इसमें मैं क्या करूं, क्यों डिस्टर्बेंस है, न्यारापन क्यों नहीं है, क्यों इतना लगाव है, क्या ये लगाव थोड़ा कम किया जा सकता है और मैं डिटैच हो सकता हूं, मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं पाता है, क्यों?
खुद स्वयं उलझा हुआ है। हम अगर दूसरों को समझने लगे, क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि मैं खुद को ही नहीं समझा हूं। और एक सूक्ष्म बात, कल हम दादी के से मिल रहे थे तो एक प्रश्न मन में आया जो हमने पूछा वहां पर, कि सारे विश्व की आत्माएं इस एक आत्मा की तरफ किस एक आधार से आकर्षित हुई, जानकी दादी की तरफ। ना तो उसको उनकी भाषा आती थी, ना उनके कल्चर का उसे कुछ पता था। क्या ऐसा इसने किया होगा, जब विदेश गई तो सारे विश्व को की आत्माएं उसकी तरफ क्यों आकर्षित हुई? बोल बोल तो सभी के लगभग सेम है, अनकंडीशनल लव। उसकी आंखों में कुछ था, उसके मन में कुछ था, उसकी भावना ऐसी थी कि सब मेरे है। इसलिए ये सोचना परम धाम झाड़ है, उसका मैं एक पत्ता हूं, पर ये जो दूसरे पत्ते हैं जिनको मैं जानता भी नहीं, अपरिचित है, वो उसी झाड़ के पत्ते हैं, सब मेरे हैं। ये डिस्टिंक्शन हटा दो, ये बीके, ये नॉन बीके, ये ब्राह्मण, ये नॉन ब्राह्मण, सब पत्ते हैं एक ही झाड़ के, और ये झाड़ मेरा झाड़ है, मैं इस झाड़ का हूं। वो बेहद की भावना उस तल पे रहेगी, फिर आउटसाइड सब अपने लगेंगे। ये सूक्ष्म भाव। तो एक्सपेरिमेंट करते रहना, और लास्ट बताया एनालिसिस। तो विधि चाहिए कोई भी चीज के लिए, तभी वो चीज अच्छी बनेगी, अच्छा पुरुषार्थ होगा। समझने की कोशिश करना। एक लास्ट बात, एक मोटरसाइकिल वाला होता है, जो मोटर बाइकर जो कि भाग लेता है ना अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, और बाइक से चलाते रहता है, एक बार जा रहा होता है तो उसको देखकर एक बार भगवान एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, तुझे जो चाहिए वो मांग। वो कहते हैं, अच्छा तो ऐसा करो कि भारत से अफ्रीका जो है उसके बीच में एक पुल बना दे, क्योंकि ताकि मैं उसमें से जाऊं, मजा आए मुझे। वो तो बाइकर है ना, तो वो कहता है मुझे ऐसा पुल बना दो एक हिंद महासागर के ऊपर, भारत और अफ्रीका के ऊपर। तो भगवान कहता है, अरे मैं बना तो सकता हूं, पर तू थोड़ा समझ भी, खर्चा कितना है इसमें, लोग कितने लगेंगे ये सब बनाने में, बहुत सारी बातें भगवान उसको समझाते हैं। ये पुल बन भी गया तो इससे फायदा क्या, तू कुछ ऐसा मांग जिससे विश्व का कल्याण हो, तू कुछ ऐसा मांग जिससे मनुष्य का फायदा हो, ये पुल बनाने से क्या फायदा होने वाला है। तो भगवान अपने इधर उधर की ढेर सारी बातें उसको बताता है। वो कहता है, मैं कर तो दूंगा, पर कुछ दूसरा तेरे पास है कोई विकल्प? तो अच्छा ठीक है, एक मिनट सोचता हूं। तो सोचने लगता है कि पुल के बल, पुल तो भगवान मान नहीं रहा है, कर भी सकता है, पर वो कहता है दूसरा कुछ? तो कहते हैं, हां चलो एक ऐसी बात मैं पूछता हूं जिससे विश्व का कल्याण हो सकता है। वो ये कि एक स्त्री को कैसे समझा जाए, उसके क्या विचार होते हैं, उसका मूड कब ऑफ होता है। एक बहन जो होती है, एक महिला जो होती है, उसका मूड ऑफ कब होता है, उसको खुश कैसे किया जाए, वो कब नाराज होती है, और जब वो नाराज होती है तो अंदर ही अंदर क्या सोचती है, कौन सी वो चीजें हैं। कभी कभी एकदम खुश हो जाती है, कभी कभी एकदम नाराज होती है, कभी कभी नाराज तो नाराज ही नाराज, नाराज ही नाराज, कभी कभी खुश तो खुशी कुछ, खुशी कुछ, ऐसी वो कौन सी बात है। मतलब ऐसी कुछ मुझे गुर, कुछ ऐसा तो बता दे कि जिससे मनुष्य, एक पुरुष एक स्त्री को समझ पाए। तो भगवान कहता है, पुल टू लेन बनाना है या चार लेन बनाना है? ब्रिज जो बनाना है वो टू लेन बनाना है या फोर लेन बनाना है? ठीक है, कटाक्ष भी है तो, पर यही बात पुरुष के लिए भी है। यहां बहन पुरुष की बात नहीं है, पर वर्तमान समय दोनों चीजें है इसमें। आत्माओं को समझना बड़ा ही कभी कभी कठिन हो जाता है, क्योंकि आत्मा इतने शरीरों को बदला है, कभी स्त्री बनी कभी पुरुष, कभी स्त्री कभी पुरुष, दोनों के लिए है ये। समझना मूड कैसे चेंज होता है, अनप्रिडिक्टेबल है हर व्यक्ति, अभी अभी ठीक अभी अभी गया। तो ये पांच स्टेप्स में क्या करना है, विधि निकालनी है। ओम शांति।